नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर से टीवी की दुनिया में वापसी करने को तैयार है। इस बीच खबर आ रही है कि कपिल शर्मा जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गिनी चतुर्थ के साथ शादी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कपिल बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रेखा कपिल को आशीर्वाद देती हुई कह रही हैं, शादी मुबारक। डायरेक्टर ओमन कुमार के कैलेंडर लॉन्च के एक इवेंट में कपिल ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी शादी को लेकर बातें की। इसी दौरान रेखा वहां से गुजर कर जा रही थी, वहां कपिल को देखकर उनको गले लगाती हैं और कहती हैं शादी मुबारक। कपिल और रेखा का ये वीडियो उनके फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि कपिल शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड गिनी के साथ फेरे लेने वाले हैं। खबरों की माने तो कपिल और गिनी दिसंबर में शादी कर सकते हैं। वहीं हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कपिल शर्मा अपने नए शो के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ शो में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन प्रभाकर भी थे। इस दौरान कपिल और अमिताभ बच्चन के बीच काफी बातें हुई। चंदन दर्शक दीर्घा में बैठे रहे और कपिल की एंट्री करते ही अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने सुना है कि शो के अलावा आप एक और नई शुरुआत करने वाले हैं। कपिल ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। वहीं बिग बी शो के दौरान कपिल को सुखी वैवाहिक जीवन के मंत्र भी देते हैं। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।